आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे बंडल ब्रांच ब्लॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है और इनका लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होता है। लॉन्ग टर्म इसमें क्या ट्रीटमेंट लगता है, लॉन्ग टर्म कितने लोग इसमें से बचते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस क्या होता है, इसका इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें, क्योंकि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि मुझे बंडल ब्रांच ब्लॉक है, अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जानना और समझना लोग चाहते हैं। आज का टॉपिक है बंडल ब्रांच ब्लॉक का ट्रीटमेंट क्या है और प्रोग्नोसिस क्या है। देखिए, अगर माइनर बंडल ब्रांच ब्लॉक है और हार्ट का पंप फंक्शन अच्छा है तो ज़्यादातर पेशेंट्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं लगता। अगर पंप फंक्शन अच्छा है तो बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए कंडक्शन बढ़ाने की या उसको इम्प्रूवाइज करने की कोई दवा नहीं आती है। उसमें अपने आप मेडिसिन पर ही जो हार्ट फेलियर की मेडिसिन है या किसी पेशेंट को अगर साथ में बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसकी जो मेडिसिन है उसको साथ में दिया जाता है। अगर पंप फंक्शन साथ में ख़राब है तो आप उसको बीटा ब्लॉकर एसी इनहिबिटर्स आर्नी जो हार्ट फेलियर की मेडिसिन है वो साथ में देते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट लगता है। आइसोलेटेड बंडल ब्रांच ब्लॉक में गति को इम्प्रूव करने के लिए या कंडक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ खास मेडिसिन नहीं आती है। किसी का कंडक्शन सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा स्लो है और खासकर अगर उनका एवी ब्लॉक अगर डेवलप हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे चेंबर में जो कंडक्शन सिस्टम है वो भी अगर फेल है, तो वैसे केस में गति को बढ़ाने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन आता है, डेरीफाइलिन करके मेडिसिन आती है और आइसोप्रिनालिन करके मेडिसिन आती है। ये दोनों ही मेडिसिन का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है, थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा गतियों को नॉर्मल नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर केस में इनको यूज़ नहीं किया जाता। अगर आइसोलेटेड बंडल ब्रांच ब्लॉक है जिसमें कंडक्शन सिस्टम स्लो नहीं है और जिसमें ए वी ब्लॉक साथ में नहीं है तो इनको यूज़ नहीं किया जाता है। अगर लेफ्ट या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर कंप्लीट भी है तो उसके लिए कुछ खास मेडिसिन उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए नहीं आती, ज़्यादातर पेशेंट में ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। सिर्फ अगर साथ में हार्ट फेलियर होता है तो वैसे केसेस में हार्ट फेलियर धीरे धीरे करके डिटोरिएट हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा एडेड आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ज़्यादातर ये बंडल ब्रांच ब्लॉक अपने आप डिटोरिएट भी नहीं करते, कुछ पेशेंट्स में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कभी कभार ये बंडल ब्रांच ब्लॉक डिटोरिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंडक्शन सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा सा डिटोरिएट कर सकता है एज रिलेटेड। पर अदरवाइज एज सच इसमें हर पेशेंट में डिटोरिएट हो ही जाएगा और हर पेशेंट में पेसमेकर लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल लोगों का कंडक्शन सिस्टम कितना ज़्यादा ख़राब है ये ज़्यादातर इस चीज़ों पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर ये अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी देंगे तो डिटोरिएट एटलीस्ट 90% केसेस में नहीं करेगा, 5-10% केसेस में हो सकता है आगे जाके पेसमेकर लगे। पर किस पेशेंट को पेसमेकर लगेगा ये कई बार क्वांटिफाई कर पाना मुश्किल है। आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर जिन लोगों को हार्ट फेलियर है साथ में कंडक्शन सिस्टम की और भी कोई बीमारी है, उनका ओवरऑल उनका एज बहुत ज़्यादा है या रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे कोमॉर्बिड कंडीशन है, वाल्व की अगर बीमारियां हैं, तो वैसे पेशेंट को लॉन्ग टर्म पेसमेकर लगने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जो व्यक्ति के सारे पैरामीटर्स ही ठीक चल रहे हैं तो वैसे पेशेंट में पेसमेकर लगने का फ्यूचर में कंपैरेटिवली चांस उतना ज़्यादा नहीं है। इसके मैनेजमेंट में डाइट का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो मुझे डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या तेल घी शुगर कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ जो हम ब्लॉकेजेस के लिए पेशेंट के लिए बोलते हैं, क्या बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए भी वही चीज़ों को लेना कंपलसरी है या नहीं। देखिए, कंडक्शन सिस्टम का जो करंट है वो आपके खाने पीने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपके डाइटरी मॉडिफिकेशन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। आप जो डाइट लेना चाहे ले सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तेल घी नमक शुगर आपको कोई ब्लॉकेजेस के लिए या डायबिटीज़ के लिए या कोई और बीमारी के लिए कम रखने को बोला गया है तो डेफिनेटली आप रखिए। साथ में अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो नमक कम रखिए, शुगर का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ वाली फूड स्टफ्स को कम रखिए। लेकिन आइसोलेटेड अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन और नमक का रिस्ट्रिक्शन हार्ट फेलियर में यूज़ होता है वो अगर साथ में हार्ट फेलियर है तो आपको उसको फॉलो करना है, अदरवाइज सिर्फ बंडल ब्रांच ब्लॉक है और पंप फंक्शन नॉर्मल है तो इसका भी कोई खास मतलब नहीं है। अगला चीज़ लोग पूछते हैं, इसमें एक्सरसाइज का क्या रोल है, अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसमें कुछ बंडल ब्रांच ब्लॉक में फ़ायदा होगा या नहीं ऐसा कह पाना मुश्किल है। बंडल ब्रांच ब्लॉक पे इस पर बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सरसाइज करने से ये सुधरेगा भी नहीं और एक्सरसाइज नहीं करने से बिगड़ेगा भी नहीं। हाँ, ये कि ओवरऑल अगर आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको ओवरऑल प्रॉब्लम्स आने का चांस कम रहेगा, लेकिन दैट डज नॉट गारंटी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेंगे तो ओवरऑल हार्ट की फिटनेस के लिए अच्छा है, लेकिन इससे आपके इस फ्यूचर में पेसमेकर लगेगा या नहीं, इस फ्यूचर में हार्ट फेलियर होगा या नहीं, उसके चांसेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक्सरसाइज करने से हार्ट फेलियर के बाकी कोमॉर्बिड कंडीशंस अफेक्टेड हो जाते हैं, आपका बीपी शुगर वगैरह अच्छा कंट्रोल हो जाता है, नलियों के ब्लॉकेजेस कम होने का चांस हो जाता है, तो कंपैरेटिवली आपका
हार्ट फेलियर होने का चांसेस इनडायरेक्टली बेनिफिट उसमें करेगा। पर सिर्फ बंडल ब्रांच ब्लॉक की अगर बात करें तो एक्सरसाइज का इसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। एक्सरसाइज की कोई मनाही भी नहीं है। कोई पेशेंट पूछते हैं कि अगर मेरे को बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो क्या मैं हिल क्लाइंबिंग कर सकता हूँ, क्या मैं एडवेंचरस प्रोफेशंस में जा सकता हूँ या हाईएस्ट प्रोफेशंस में जा सकता हूँ, ट्रक या एरोप्लेन ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं। तो वैसे केसेस में भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सारे हाई रिस्क प्रोफेशंस भी कर सकते हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। इसमें सडनली हार्ट गति कम हो जाएगी और आपको कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो जाएगा और सडनली हार्ट फेल हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी, आप पहाड़ से गिर जाओगे, इसके चांसेस लगभग नहीं के बराबर हैं। अनलेस आपका कंडक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है और कंडक्शन बहुत स्लो चल रहा है, हार्ट गति बहुत ज़्यादा खराब है, ट्रेडमिल पर आपकी क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस बहुत खराब है, आप उतना हार्ट रेट अचीव नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सब अगर प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एहतियात रखने की ज़रूरत है। पर लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं है। जान का खतरा भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई ये पूछते हैं हमको कि मुझे बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया तो क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या मैं जल्दी मर जाऊँगा, क्या मैं नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, क्या मैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, क्या फ्यूचर में अगर मेरी मैरिज होगी तो मैं उसमें नॉर्मली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, शादीवादी कर सकता हूँ या नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकता हूँ कि नहीं, तो ये सारी ही चीज़ों का बंडल ब्रांच ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर साथ में हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर की वजह से बढ़ सकता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से मृत्यु दर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने के चांसेस पर फर्क पड़ेगा, ना आपकी कोई फ्यूचर जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं या शादी करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उस पर कोई फर्क पड़ेगा। आप सभी चीज़ें कर सकते हैं, बस ये है कि साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इवैल्यूएट कीजिए, इकोवर करते रहिए, ताकि आपको हार्ट फेलियर अगर साथ में डेवलप तो नहीं हो रहा, वो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएट कर सकते हो। पेसमेकर की ज़रूरत बहुत रेयर केसेस में होती है, लेस देन 5-10% ऑफ द केसेस में होती है, और वो भी अगर कंडक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया है या पेशेंट की हृदय की गति बहुत ज़्यादा कम हो गई तभी पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है। कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि साहब मेरे को बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, फ्यूचर में पेसमेकर लगेगा तो क्या मैं पहले से पेसमेकर डाल दूँ, इसमें कुछ फ़ायदा है क्या? तो डेफिनेटली इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कि 100 में से 95% पेशेंट्स को पेसमेकर कभी भी नहीं लगेगा, तो 100% को आप पेसमेकर लगाओगे किन्हीं 5 लोगों में तकलीफ होगी, तो बेटर है ना कि जब लगे प्रॉब्लम तब लगाओ, अगर प्रॉब्लम होती ही नहीं है तो बाकी 95% लोगों में लगाना वेस्ट है। क्योंकि पेसमेकर तो खाली गति कम हो जाती है तो मदद करता है, गति स्लो होती है तो उसमें मदद नहीं करता, यानी कि कंडक्शन अगर स्लो चल रहा है तो उसमें कोई पेसमेकर का रोल नहीं है, उसको फास्ट नहीं कर देगा, लेकिन गति कम हो गई, हार्ट बीट्स का नंबर कम हो गया तो मदद करेगा। इसमें एक डिफरेंस है, यानी कि अगर आपका कंडक्शन 120 के बदले 200 मिलीसेकंड्स में जा रहा है तो उसमें कुछ वो नहीं मदद करेगा, लेकिन हार्ट रेट अगर 90 के बदले 40 चला गया या 20 चला गया तो वो पेसिंग करके गति को नॉर्मल कर सकता है, कंडक्शन तो उसमें भी स्लो ही रहेगा। रादर पेसमेकर करने के बाद कंडक्शन सिस्टम अगर पेस्ट रिदम है तो उसमें कंडक्शन और स्लो ही आता है, क्योंकि ज़्यादातर सारे पेस्ट रिदम में LBB मॉर्फोलॉजी आती है जिसमें अपने आप में ही कंडक्शन स्लो रहता है, वो अपने आप में ही बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए पेसमेकर लगाने का बंडल ब्रांच ब्लॉक में डेफिनेटली कोई एडवांटेज नहीं है, और पहले से पेसमेकर लगा के रखते कि कभी फ्यूचर में लगेगा इसका डेफिनेटली कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जाके बोलें कि मेरे को बंडल ब्रांच ब्लॉक है, मेरे को पेसमेकर लगा दो, फ्यूचर में शायद कभी लग जाए, तो बिल्कुल ही गलत होगा, और अगर कोई डॉक्टर एडवाइस भी करता है तो डेफिनेटली गलत होगा। अनलेस पेशेंट को साथ में AV ब्लॉक भी हो, साथ में कंडक्शन सिस्टम स्लो हो, साथ में कभी सिंकपी या बेहोशी की हिस्ट्री हो, साथ में हार्ट का कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हो, कंडक्शन सिस्टम वैसे ही बहुत कॉम्प्रोमाइज हो, वैल्वुलर हार्ट डिजीज हो, हार्ट का पंप फंक्शन बहुत ख़राब हो, अगर ऐसा कोई इंडिकेशन होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, अदरवाइज पेसमेकर की मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग को कंजेनाइटल बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है उसमें भी स्टैंडर्ड प्रोग्नोसिस भी होता है, ज़्यादातर वो पूरी उम्र जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, साथ में अगर हार्ट फेलियर हो तो ही उनको फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोगों को हार्ट अटैक की वजह से, मायोकार्डाइटिस की वजह से, मेडिसिन की वजह से या थायरॉयड या पोटेशियम की वजह से बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। अगर हार्ट अटैक की वजह से हुआ है और मैसिव हार्ट अटैक है तो डेफिनेटली मोर्टैलिटी का फ़र्क पड़ेगा, पर वो मोर्टैलिटी का फ़र्क बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से नहीं, मैसिव हार्ट अटैक है इसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। सिमिलरली अगर मायोकार्डाइटिस में भी ट्रांजिएंट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हार्ट फेलियर साथ में हुआ है तो हार्ट फेलियर मृत्यु कर सकता है। बंडल ब्रांच ब्लॉक सिर्फ उसका एक इनडायरेक्ट मार्कर होता है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक भी अगर हुआ है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि एक मैसिव हार्ट अटैक है। अगर किसी व्यक्ति को मेडिसिन या ड्रग रिलेटेड हुआ है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप पोटेशियम को कम करोगे और जैसे ही आप मेडिसिन को बंद करोगे वो अपने आप रिवर्स हो जाएगा। अगर किसी को इरिवर्सिबल कॉजेज ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक है, यानी परमानेंट कंडक्शन सिस्टम डैमेज हो गया है, तो वैसे केसेस में आपको
उसको फॉलोअप खाली करना है 3-3, 4-4 महीने में या साल भर में इको ट्रेडमिल करते रहिए कंडक्शन सिस्टम देखने के लिए, पर अदरवाइज इसमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस में एंजियोग्राफी वगैरह का भी कोई खास इंडिकेशन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हार्ट ब्लॉक है तो नली का ब्लॉक लगभग बराबर है, तो क्या मुझे एंजियो करके देखना चाहिए, सीटी एंजियो करके देखना चाहिए? तो वैसा भी गलत है, क्योंकि कंडक्शन सिस्टम में आप ईपी स्टडी करके देख सकते हो कि आपके ओवरऑल कंडक्शन ज़्यादा स्लो है कि नहीं, आपको फ्यूचर में पेसमेकर लगने के कितने चांसेस हैं और ओवरऑल कंडक्शन पैरामीटर्स आपके ठीक है या नहीं। पर नलियों का एंजियोग्राफी करने का इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। अगर साथ में कोई नलियों का ब्लॉकेज मिलता भी है और उसके साथ में अगर कंडक्शन ब्लॉक हुआ है, तो नलियों के ब्लॉकेज का कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करते हो। आप नलियों के ब्लॉकेज के हिसाब से बंडल ब्रांच ब्लॉक में कोई डिसीजन वेरिएशन होगा, वैसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। कंप्लीट ब्लॉक में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पर अदरवाइज बंडल ब्रांच ब्लॉक का उससे कोई खास लेना देना नहीं है। मेडिसिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आती, मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होती, थोड़े साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादातर केसेस में बंडल ब्रांच ब्लॉक के पेशेंट में कोई मेडिसिन भी देने की ज़रूरत नहीं, कोई डाइट भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रेगुलर आपको डॉक्टर के फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है। 3-6 महीने उनको दिखाते रहिए। जहां कभी कंडीशन बिगड़ती है या कंडीशन पैरामीटर्स बिगड़ते हैं वहां कभी कभार पेसमेकर लग सकता है, पर मान के चलिए उसका ओवरऑल चांस 5% से भी कम होगा, और वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आइसोलेटेड बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए कोई पेसिमर का ज़रूरत नहीं होता। तो आज के टॉपिक में हमने बात की बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है, उसका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस पर क्या फ़र्क पड़ता है, और उसका ट्रीटमेंट पैटर्न क्या है, क्या तरह का लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बंडल ब्रांच ब्लॉक है। यदि फिर भी इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी है तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उनको भी हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को इन तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।